हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेन सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट डायलॉग। स्टूडेंट, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं आपकी एडवर्ड की ऑलरेडी 3 क्लास ले चुका हूँ, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली स्टूडेंट आपके, हम आज बात करेंगे आपकी सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स। कुछ ये आपके स्टूडेंट कुछ एडवर्ब हैं जिनके इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, और मैं इसके दो वीडियो बनाऊंगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें अपलोड करूंगा मैं स्टूडेंट। तो ये आप कुछ एडवर्ब हैं स्टूडेंट, जैसे टू है, मच, वेरी, वेरी मच, मच, टू मच, मच, ओनली टू, सिंस, एवर सिंस, प्रेजेंटली, जस्ट नाउ, लेट, लेटली, हार्ड, हार्डली, मोस्ट, मोस्टली, बिफोर, एगो। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम डिटेल में, आपकी फर्स्ट है आपका टू। इसको स्टूडेंट हम टू पढ़ते हैं, इसका मीन्स होता है स्टूडेंट आपका मोर देन एनफ, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ मिलता है तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे हम टू का यूज़ हम वेरी के सेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करें आपका जो वेरी होता है स्टूडेंट उसका भी मीन्स होता है आपका बहुत, लेकिन टू का जो सेंस होता है स्टूडेंट वो होता है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका टू होता है स्टूडेंट ये आपको एक नेगेटिव सेंस देता है, यानी आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हो और उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी नेगेटिव मिलती है तो वहाँ पर हम आपकी टू का यूज़ करते हैं। इस मैंने यहाँ पर आपके वेरी और टू दोनों का यूज़ करके आपका एग्जांपल बताया, तो इसमें बड़ी आसानी से हम क्लियर करेंगे। यहाँ बताया गया मैं आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू। अब आप देख रहे हो तो सेंस तो दोनों का ही आ रहा है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन आप यहाँ समझोगे तो यहाँ मैंने टू का यूज़ किया और यहाँ मैंने आपके और वेरी का यूज़ किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इसने बोला है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, सेंस तो दोनों का सेम आ रहा है, बट लेकिन यहाँ टू का अगर हम सेंस निकाल दें, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश तो हुआ, लेकिन वो जो खुशी है उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो उससे मिलकर इतना खुश होगा, इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज़ किया कि वो उससे मिलकर खुश है लेकिन उसे इतना खुश नहीं होना था। स्टूडेंट इसमें आपके कुछ टू के कुछ यूज़ हैं जिनका मैंने पॉइंट डाल दिया। फर्स्ट है इसमें हम टू प्लस आपका इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव मीन्स होता है स्टूडेंट अगर इसके बाद अगर हम आपके टू प्लस यानी कि टू और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो ये स्टूडेंट आपका नेगेटिव सेंस देता है। यहाँ एग्जाम्पल इन्हें बताया गया कि इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने टू का यूज़ किया है और उसके बाद मैंने आपके टू प्लस आपके बी वन का यूज़ किया है, यानी उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ आप अगर इसका हिंदी मीन्स निकालोगे ही इज टू वीक टू वॉक, कि वह इतना कमज़ोर है कि वह घूम फिर नहीं सकता, तो यहाँ एक तो वीक है ओनली, तो यहाँ ये टू यूज़ कर दिया है स्टूडेंट, ये बता रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा, यानी वो नेगेटिव सेंस में बता रहा है कि वो उसकी उम्मीद नहीं है कि मतलब वो पॉजिटिव तरीके से घूम सके, तो यहाँ इसका एक नेगेटिव सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। वी एग्जाम्पल में बताया गया आपका कि सी इज टू पुअर टू पे हर फीस, कि वह इतनी गरीब है कि वह अपनी फीस को क्या है पे नहीं कर सकती है। यहाँ पर इसका सी एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट आपका, कि जो हम टू का यूज़ करते हैं उसका सेंस होता है स्टूडेंट आपका वी, अगर हमें वी के यूज़ में भी इसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सी लॉस्ट हिज बैग एंड बुक्स टू, वह अपनी किताबों के साथ क्या अपनी वो बुक्स को भी खो दिया, यानी कि हाल से उस सेंस में बताया कि उसने अपना बैग तो खोया ही लेकिन उसके साथ उसने बुक को भी खो दिया। स्टूडेंट कि जो टू होता है इसका यूज़ होता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा के सेंस में होता है, यानी बहुत जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा के, जैसे यहाँ बताया गया है ही इज़ टू पुअर, कि बहुत गरीब है, एक तो गरीब होता है केवल, जैसे बोल देते ही इज़ पुअर तो बहुत गरीब है लेकिन कुछ उम्मीद है कि उसके पास पैसा, लेकिन यहाँ बोल दिया ही इज़ टू पुअर, यानी वह बहुत ही ज़्यादा गरीब है। वी एग्जाम्पल बताया कि सी इज़ टू अगली, कि वह क्या है, वह बहुत ही भद्दी है, ठीक है। सी में बताया गया यू आर टू वीक इन इंग्लिश, कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में क्या हो, वीक हो। तो यहाँ एक तो आप समझ रहे हो कि टू का यूज़ है क्या है, कि एक नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, देखो अगली दे रहा है यहाँ पर, कि यहाँ बताया गया वीक है, मतलब इंग्लिश में बहुत तुम ज़्यादा है वीक हो, तो ये क्या है, ऑलरेडी आपका एक नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका मच एंड वेरी, तो मच का जो यूज़ होता है स्टूडेंट वो यूज़ करते हैं हम आपके कॉम्पिटेटिव डिग्री के लिए, उसका जो एडवर्ब हुआ या एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, और जो आपका वेरी होता है स्टूडेंट वो हम यूज़ करते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि अनु इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, की जो अनु है वो क्या है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, वो बहुत ही होशियार लड़की है, तो यहाँ किसी से कोई भी तुलना नहीं की गई है, तो यहाँ जो वेरी यूज़ किया गया है फॉर
पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज किया गया है, लेकिन यहाँ सेकंड एग्जाम्पल बताया गया ही इज मच सी इज मच मोर ब्यूटिफुल देन रामा, वह लड़की जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है किससे, देन रामा, रामा की तुलना में बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ आपने देखा कि जो ब्यूटीफुल होता है स्टूडेंट, इसके आगे हम आपका मोर लगाकर इसका कंपरेटिव बनाया, और हमने यहाँ पर कंपरेटिव से पहले आपके मच का यूज़ किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मच होता है वो हम आपका सी डी के लिए यूज़ करते हैं, और आपका जो वेरी होता है स्टूडेंट हम पी डी यानी पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। वी इसका पॉइंट में बताया गया कि जो वेरी मच होता है स्टूडेंट वो हम आपकी कंपरेटिव डिग्री के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब केवल बात थी आपकी केवल वेरी की, तो हमने वहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया था, लेकिन हाँ उसने बोला है कि हम वेरी मच का अगर हम यूज़ करेंगे आपका तो हम आपके कंपरेटिव डिग्री से पहले करेंगे। इसने यहाँ बताया राम इज़ वेरी मच क्लेवर देन श्याम, कि जो राम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है चतुर है किससे, श्याम से। तो यहाँ आपने देखा कि स्टूडेंट जो आपका जो क्लेवर है, क्लेवर क्लेवर क्लेवरेस्ट, जो क्लेवर यूज़ किया गया स्टूडेंट ये आपका हमारा कंपरेटिव डिग्री है, और कंपरेटिव डिग्री से पहले हमने आपके वेरी मच का यूज़ किया है। वी एग्जाम्पल ने बताया कि ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन कुमार, कि वो क्या है वो कुमार की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है किसकी तुलना में, कुमार की तुलना में। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट जो स्ट्रांग स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इस तरीके से इसकी डिग्री, तो यहाँ पर हमने आपका जो स्ट्रांग है ये आपकी कंपरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमने आपके यहाँ पर वेरी मच का यूज़ किया है। थर्ड पॉइंट में बताया कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर आपका हम यूज़ करते किसका स्टूडेंट आपके मच का यूज़ करते हैं, तो ये आपका पहले किससे आएगा, द से पहले आता है, लेकिन जब हम वेरी का यूज़ करते हैं तो ये क्या स्टूडेंट यह आपके द के साथ और आपके सुपरलेटिव डिग्री से पहले आए, यानी कि आपके जो द लगा हुआ सुपरलेटिव डिग्री उसके जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा और द जो आर्टिकल लगा हुआ उसके बाद में आएगा। जैसे यहाँ बताया गया कि अनु इज मच द वेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, तो यहाँ आप देख सकते हो सुपरलेटिव भी बता रहा है भाई कि जो अनु है वो इस कॉलेज में क्या है, सबसे बेस्ट लड़की है। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट ये जो आपका बेस्ट है ये आपका अपने आप में सुपरलेटिव है, और उससे पहले हमने द का यूज़ किया। तो यहाँ मैंने बताया कि मच का यूज़ हम किससे पहले कर रहे हैं, तो इसे हम द से पहले यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ बताया कि अनु इज़ द वेरी बेस्ट गर्ल इन दिस कॉलेज, तो यहाँ जो वेरी है स्टूडेंट वो आपका एक तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया आपका बेस्ट, और आर्टिकल आपका द लगा हो तो द और आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके बीच में हम आपके वेरी का यूज़ करेंगे, और अगर मच का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट अब आपका हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया जो मच और वेरी स्टूडेंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो मच यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो आपका हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब, ये हम जो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट उसको हम आपका पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उसकी वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, जबकि जो बैरी होता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म लगती है उसको हम आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे सी वॉज मच सरप्राइज, तो वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अचंभित थी या आश्चर्यचकित थी। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट कि ये जो आपका सरप्राइज यूज़ किया गया ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, तो उससे पहले हमने आपका मच का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ बोला है कि द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर जो आईएनजी जो इंटरेस्टिंग यूज है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इससे पहले हमने आपके वेरी का यूज़ किया है। यहाँ बात की स्टूडेंट आपके वेरी मच और आपका ओनली मच, तो ये जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है स्टूडेंट उसके जो सेंस होता है यानी उसमें तो हम आपके वेरी मच का यूज़ करते हैं, और जब आपके नेगेटिव सेंस की बात आएगी तो स्टूडेंट वहाँ पर हम आपके मच का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा क्या है पसंद कर, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव वे में बात की जा रही कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ बोला है आई डोंट लाइक हर मच, तो यहाँ आपने मच का यूज़ किया और यहाँ पर हमने वेरी मच का यूज़ किया, तो जो वेरी मच यूज़ किया स्टूडेंट ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है यानी अफर्मेटिव यूज़ किया गया, और यहाँ पर आई डोंट लाइक हर मच तो ये आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर मच का यूज़ किया है। सी में सी एग्जाम्पल बताया कि सी वर्क वेरी मच, क्यों बहुत ही काम करती है, लेकिन यहाँ बोला है सी डजेंट वर्क मच, तो यहाँ आपका नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पर आपके मच का यूज़ किया। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट के जो वेरी मच होता है वो आपका अफर्मेटिव में यूज़ किया जाता है, और आपका जो मच होता है वो आपका नेगेटिव में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका टू मच, मच टू और ओनली टू। अब सोच रहे हैं कि टू को आगे पीछे लगा दिया, तो जो आपका टू मच है और आपका मस्ट टू है स्टूडेंट ये आपके दोनों का ही सेंस एक होता है, यानी
ये जो यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट, ये आपके नाउन के बाद यूज़, यू आपका टू मच यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम आपके नाउन का यूज़ करते हैं, और जो आपका मस्ट होता है स्टूडेंट उसके बाद हम आपके एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, या हम बोलें आपके पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। और दोनों का जो सेंस होता है स्टूडेंट मोर देन एक्सपेक्ट, यानी कि आपकी कोई लिमिट नहीं थी, हम बात करें मतलब जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, उससे ज़्यादा की जो एक्सपेक्ट की जाती है वहाँ पर हम आपके मच टू का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और जो आपका ओनली टू होता है स्टूडेंट वह आपके वेरी की तरह यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताएगा हिज बिहेवियर गिव मी टू मच मैन, तो यहाँ आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमने यहाँ पर टू मच यूज़ किया है उसके बाद आपके नाउन यूज़ किया गया है हमने यहाँ पर, हिज बिहेवियर वॉज मच टू पेनफुल, तो यहाँ आपका एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, यहाँ ही विल बी ओनली टू हैप्पी टू मीट यू, तो यहाँ क्या है ही विल बी ओनली टू हैप्पी कि वह बहुत ज़्यादा खुश होगी, ओनली वह खुश होगी तुमसे मिलकर, तो आपने क्या वो बहुत ज़्यादा, ये तो यहाँ आपने समझा कि स्टूडेंट ये आपका एक तरीके से हम कहें बैरी के ही सेंस में यूज़ किया गया, तो इस तरीके से आपने सीखा कि हम कैसे आपके टू मच, मच टू और ओनली टू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट आपका सेंस और एबर्सेस। अब हमने आपकी जब आपके टेंस कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो हम आपके सेंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, अब आपका परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, यानी जो आपका काम हो चुका आता है, तो इसका जो मीन्स होता है वो आता है जब से, या हम बात करें आपके तब से। जैसे आप एग्जाम्पल दें आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 7 o'clock, कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फुटबॉल सिंस, यानी सिंस 7 o'clock, मैं जब से, कब से, 7 बजे से, तो यहाँ आप देख सकते हैं जब से और तब से के सेंस में यूज़ किया गया है, तो हमने यहाँ पर आपकी सिंस का यूज़ किया है। और जब हम बात करें आपके कभी कभी जो सिंस होता है स्टूडेंट, अगर वो आपका लास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उससे पहले हम आपके एवर का यूज़ करते हैं, और सेंस भी आपका क्या रहेगा, तब से ही सेंस रहता है उसका भी। एग्जाम्पल में बताया गया है यहाँ पे कि आई फर्स्ट मीट हर 3 years ago, मैं उसको मिला था 3 साल पहले, एंड हैव रिमेम्बर्ड, मुझे आज भी याद है हर फेस एवर सिंस, तो मुझे अभी तक उसका क्या चेहरा याद है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर सेंस और एवर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंटली और जस्ट नाउ। अब आप सोचें जस्ट मीन्स वो अभी होता है, नाउ मीन्स भी होता है, प्रेजेंटली मीन्स भी नाउ, तो इनमें कुछ डिफरेंट होता है स्टूडेंट। क्या डिफरेंस होता है वो है आपका, जो हम प्रेजेंटली की बात करें तो इस मीन्स होता है स्टूडेंट एट प्रेजेंट, यानी जो इस समय की जो हम बात कर रहे हैं, यानी वो उसी टाइम की बात हो रही है, यानी आपके जो भी फ्यूचर में जो एक्शन होते हैं उनके साथ हम आपके प्रेजेंटली का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। और जो काम अभी हो चुका है, यानी जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, यानी कुछ ए मूवमेंट है वो, यानी कुछ समय पहले किया था, तो वहाँ पर हम आपके जस्ट नाउ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ने बताया कि आई एम प्रेजेंटली बिजी, तो यहाँ आप समझ सकते हो आई एम प्रेजेंटली, मैं क्या है बिजी हूँ, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटली बता रहा है ये बता रहा है कि मैं अब भी बिजी हूँ, तो आपने क्या समझा यहाँ पर स्टूडेंट कि जो प्रेजेंटली है वो बता रहा है आपको फ्यूचर में जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बता रहा है हमको। और वी एग्जाम्पल बताया कि आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, जो मैंने अपना काम है मैं उसको कम्प्लीट कर चुका हूँ, तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो काम अभी हुआ है मतलब जस्ट कम्प्लीट हुआ है, तो वहाँ पर हमने आपके जस्ट नाउ का यूज़ किया है। यहाँ आपका सी एग्जाम्पल है कि डिड यू हियर ए नॉइस जस्ट नाउ, क्या तुमने एक आवाज़ सुनी है, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या आवाज़ अभी हुई 1 मिनट पहले, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जस्ट नाउ का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेट एंड लेटली, तो आप समझ रहे होंगे मीनिंग से कि लेट मीन्स क्या होता है, देरी से होता है, और लेटली मीन्स होता है क्या, जो काम अभी रिसेंटली हुआ है एक्शन, मतलब अभी प्रीवियस एक्शन हुआ है, तो वहाँ आप समझ सकते हो जैसे ही कम लेट टुडे, कि बहुत लेट आया, तो ये क्या है मतलब वो देरी से लेट आया, या हम बता रहा है हमें लेट से सेंस जो निकल रहा है। लेकिन बी एग्जाम्पल होता है कि ही हैज कम लेटली, कि बहुत क्या है वो अभी आया है, जस्ट नाउ अभी आया। और सी एग्जाम्पल होता है यू आर लेट, कि तुम क्या है तुम लेट है, मतलब तुम लेट हो, तो मतलब क्या हो तुम देरी से हो। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट हार्ड और हार्डली, सेम ही मीनिंग है, नाउन रहेगा आपका, यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ किया हमने, तो हार्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका कठिन, ठीक है, और हार्डली मीन्स होता है आपके नई से, यानी नेगेटिव सेंस में वो जो होता है वह हम हार्डली का यूज़ करते हैं। जैसे ही वर्क आर्ट के, वो क्या है वो कठिन परिश्रम करता है, मतलब वो कठिन परिश्रम करता है,
लेकिन यहाँ बोला है कि ही हार्डली वर्क, से वो क्या है, वो नहीं, मतलब वो ना के बराबर काम करता है, वो काम ही नहीं करता। तो यहाँ आपने कठिन और नहीं के सेंस में यूज करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका मोस्ट और मोस्टली, अब आपने मीनिंग इसका भी सेम। तो जो मोस्ट होता है स्टूडेंट उसका मीन्स होता है सबसे अधिक, यानी बहुत ज़्यादा। तो जो मोस्टली होता है वो यूज किया जाता है अधिकांश भाग, यानी आपके एक मेजर पोर्शन के लिए यूज, जो मेजर पोर्शन होता है उसके लिए यूज करते हैं हम आपके स्टूडेंट मोस्टली का। तो यहाँ बताया गया है एग्जाम्पल में कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, कि ये जो लड़का है वो क्या है, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है किन में, उन सब में। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट, यहाँ बता रहा है ये जो मोस्ट क्या है, सबसे अधिक के सेंस में बता रहा है, यानी सबसे अधिक क्या है, वो आपका इंटेलिजेंट है। वी एग्जाम्पल बताया गया था कैंडिडेट्स वर मोस्टली फ्रॉम रूरल एरिया, कि जो कैंडिडेट्स थे वो क्या थे, वो अधिकतर किससे थे, मोस्टली यानी मेजर पोर्शन की बात कर रहा है, अधिक क्वांटिटी की बात कर रहा है, सबसे अधिक कहाँ से थे, वो आपके रूरल एरिया थे। द ऑडियंस कंसिडर्ड मोस्टली ऑफ गर्ल, कि जो ऑडियंस होते हैं स्टूडेंट वो अधिकतर क्या है, लड़कियों को केंद्रित करते हैं या उन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ आपने देखा तो मोस्टली ये यूज़ किया गया, ये बता रहा है अधिकतर, यानी एक मोज आपके जो हम बात करें बहुत ज़्यादा की संख्या में जो यूज़ करते हैं, आपका मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास थी स्टूडेंट यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।